नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहा जुल्म। हिंदू समुदाय के अधिकारों के हनन पर अमेरिकी सांसदों ने गहरी चिंता जताई है। अमेरिकी संसद में इस हफ्ते सिंध में मानव अधिकार पर ब्रीफिंग के दौरान सांसद लॉरेटा सांजेस ने आरोप लगाया कि सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय अपनी औरतों के जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने के अंदेशे में जीता है। प्रतिनिधि सभा के सिंध कॉकस के सह अध्यक्ष लॉरेटा ने कहा कि भयावह मानव अधिकार उल्लंघनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं हत्या किए जाने, हिंदू महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और धार्मिक उग्र हिंसा जैसे अन्य अपराध के बढ़ने से सिंध अब मानवीय संकट से गुजर रहा है। वही मानव अधिकार कार्यकर्ता हसन मुस्तबा ने कहा कि मदरसों में इजाफा सांप्रदायिक समूहों के लिए पनाहगार बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाफिज सईद और उनकी जमात उद्दावा के सिंध प्रांत में, खासकर भारत से लगे थार रेगिस्तान के इलाकों में अपनी आतंकी सरगर्मियां चलाने की छूट दे दी गई है। कालाधन छिपाने वालों को जेटली की चेतावनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि घरेलू बाजार में काले धन के सृजन पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार जल्द ही एक निश्चित सीमा से अधिक के नगद लेन देन पर पैन कार्ड का ब्यौरा देना अनिवार्य करेगी। जेटली ने फेसबुक पर अपनी एक ताजा टिप्पणी में कहा कि आयकर विभाग की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। सूचना प्राप्त करने तथा कर चोरी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण के उपयोग की क्षमता बढ़ाई गई है। जीएसटी का लागू होना इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आप में फिर बगावत, पंजाब में अलग फ्रंट का ऐलान। आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर पार्टी छोड़ एक नए फ्रंट के गठन का ऐलान किया। फ्रंट के कामकाज के लिए 11 सदस्यीय एक समन्वय समिति बनाई गई है। इसमें सबसे खास बात यह रही कि असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी के 2 निलंबित सांसदों ने भी हिस्सा लिया और फ्रंट में अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस बारे में निष्कासित नेता प्रणव रॉय ने बताया कि आप अपने मूल उद्देश्यों और नीतियों से भटक गई है और इस नीति के अनुसार काम करने के लिए हमने एक नया फ्रंट, आम आदमी वॉलंटियर फ्रंट का गठन किया है।